मास्टरबेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप ज़्यादा ही हिला देते हो जिसकी वजह से आपके इन जगहों पे। हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से भाइयों के चैनल में। अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ, वीडियो को लाइक कर दो और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिंपल ट्रीटमेंट तो बात की बात है, अगर आपको आपके फेस मैपिंग के हिसाब से ये पता चल जाए कि किस जगह पर किस वजह से आपके फोड़े फुंसी एक्ने पिंपल हो रहे हैं तो आप उन्हें आराम से कवर अप कर सकते हो, अपने पिंपल को काफ़ी जल्दी आप हटा सकते हो। फेस मैपिंग यानी कि आपके माथे पे किस वजह से पिंपल हो रहे हैं, आपके गाल पे किस वजह से पिंपल हो रहे हैं, आपके नाक पे किस वजह से पिंपल हो रहे हैं, आपकी जॉ लाइन पे किस वजह से पिंपल हो रहे हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई तो आप काफ़ी जल्दी अपने पिंपलों को कवर अप कर सकते हो और काफ़ी जल्दी अपना फेस क्लीन कर सकते हो। और आज की वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हें फेस मैपिंग बताने वाला है कि माथे पे पिंपल निकल रहा है तो किस वजह से निकल रहा है, गालों पे निकल रहा है किस वजह से निकल रहा है, एक ही जगह पे बार बार पिंपल निकल रहा है किस वजह से निकल रहा है, इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हें बताने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके सर से यानी कि आपके माथे से, आपके इन जगहों पर पिंपल किस वजह से होते हैं तो वो होता है आपके पाचन की कमी की वजह से और आपके शरीर में पानी की ज़्यादा कमी हो जाती है उसकी वजह से आपके इन जगहों पर पिंपल होना शुरू हो जाते हैं। पाचन यानी कि आप कुछ भी इस तरीके का चीज़ खा लेते हैं जिससे क्या बोलते हैं वो पच नहीं पाता आपको ढंग से, या फिर आप कोई हैवी चीज़ यानी कि ऑयली चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने में तो उसको आप कम कीजिए और डेली 3 लीटर तो पानी पीजिए, 7 से 8 गिलास पानी पीजिए दिन भर में और पिंपल को दूर कीजिए। आगे बात करते हैं माथे से थोड़ा नीचे आते हैं अपने आईब्रो साइड की, तो इन जगह पर आपके पिंपल क्यों होते हैं बार बार, तो वो इस वजह से होते हैं क्योंकि आप या फिर स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में, या फिर आपकी नींद पूरी नहीं होती। आपको कम से कम डेली 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी पड़ेगी और डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस से आप दूर रहिए, ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर मत दीजिए और अपनी नींद पूरी कीजिए और एकदम चिल आउट रहिए। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं और अगर हिंदू है तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं जिससे आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होगा और ये डॉक्टर द्वारा भी सलाह की जाती है हनुमान चालीसा और नमाज़, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं अपने डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस को कम करने के लिए। और नींद के लिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। सोने से पहले आप अपनी आँखों को कम से कम 30 से 40 बार ऐसे फड़फड़ाएँ और अपनी जो बीच का पॉइंट होता है इस जगह पर आप कम से कम 30 से 40 बार टैप करें, इससे आपकी नींद थोड़ी फास्ट होगी और आपको नींद जल्दी आएगी और मीठी नींद आएगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं अपने नोज़ के साइड, तो आपके नोज़ की इस एरिया में पिंपल किस वजह से होते हैं तो होता है आपके खून में अशुद्धि होना यानी कि ख़राब खून होना और आपका स्ट्रेस में होना या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई होना, इस वजह से आपके नोज़ के साइड में इनमें से कोई किसी भी प्रॉब्लम से आपके नोज़ के साइड में पिंपल बार बार होता होगा। इसके लिए आपको सादी सब्जियां यानी कि पालक गोभी हरी सब्जियां और फ्रेश फ्रूट का यूज़ करना चाहिए और काफ़ी जिसमें वाटर परसेंट काफ़ी ज़्यादा हो यानी कि वाटरमेलन, चीकू, पपाया, इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और नोज से नीचे की बात करते हैं यानी कि आपके गालों के, आपके चीक की, तो आपके गालों पर किस वजह से पिंपल होता है तो वो होता है आपके लंग्स लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम से, यानी कि आप मतलब कुछ भी ज़्यादा ऑयली चीज़ ऐसी चीज़ें खाते हैं या फिर आप पॉल्यूशन में ज़्यादा घूमते हैं तो पॉल्यूशन में कम घूमिए और जो मैंने पहले बताया ताज़ी सब्ज़ियाँ इन सब चीज़ों का सेवन कीजिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ मत लो, ऑयली चीज़ आपके लिए एकदम जहर है अगर आपके पिंपल हो रहे हैं, वो वाला जहर नहीं, कतई जहर, वो वाला जहर की बात नहीं हो रही, मतलब जहर के समान है। तो इसलिए ऑयल को काफ़ी कम कर दें और पॉल्यूशन में कम घूमें, मास्क ला के रखें, अगर कोरोना ख़त्म भी होगी इस टाइम में तभी भी आप मास्क ला के ज़रूर रखें। ओके, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके जॉ लाइन के आसपास की यानी कि आपके जॉ लाइन के पास किस वजह से पिंपल बार बार होते हैं। वैसे तो इन जगहों पे अक्सर जॉ लाइन के आसपास लड़कियों के ज़्यादा होते हैं बट लड़कों के भी होते हैं और वो होता है आप लोगों का ज़्यादा हिलाने की वजह से। यस, आप लोग ओवरलोडेड हिला देते हैं जिसकी वजह से हिलाने क्या मास्टरबेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप ज़्यादा ही हिला देते हो जिसकी वजह से आपके इन जगहों पे पिंपल होता है। इसलिए नेचुरल प्रोसेस है मास्टरबेशन बट आप इतना भी उस पर हावी मत
होने दीजिए अपने आप को, जिसकी वजह से आपके पिंपल की प्रॉब्लम बढ़ती रहे और आपको खुद पे कंट्रोल ना रहे, इसलिए घोड़े को लगाम दीजिए। जो लाइन से नीचे के साइड आते हैं और आपके इस जगह की बात करें तो इस जगह पे किस लिए, यानी कि आपके दाढ़ी वाली जगह पे किस वजह से पिंपल होते हैं, तो ये होता है आपके कब्ज की वजह से। यस, कब्ज की वजह से और अपच की वजह से। आप ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे आपको कब्ज अपच गैस हो जाती है, तो ऐसे खाने से दूर रहे, सादा सिंपल खाना खाए और ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ मत करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। आप इनमें से सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ये भी है कि आप पानी ज़रूर पिए और नींद पूरी करें। इन सारी चीज़ों को जो भी मैंने आपको बताया अपने फेस मैपिंग के हिसाब से, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, जिसकी वजह से आपके पिंपल काफ़ी कम हो जाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। और काफ़ी सादा खाना खाइए, अगर आप ऑयली खाना खाते तो आज ही छोड़ दीजिए और सादा खाना खाइए, सादा खाना उच्च विचार, मेरा कहना यही है। अच्छा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी बहुत सारी वीडियो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लाता रहता है, तो इसलिए आ जाओ इंस्टाग्राम पर, अपडेट के लिए डेली वीडियो मिलती रहेंगी आपको। चैनल पर डेली अपडेट रहता हूँ मैं, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी अपन डेली अपडेट रहते हैं। सो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चलते हैं।